ये बजट दो शब्द में अगर कहा जाए ये बजट अमीरों के लिए बजट है ये बजट में अमीरों के ऊपर जो टैक्स था उसकी कटौती करती उसको ख़त्म ही कर लिया जो बड़े बड़े बूझी पतियों पर जो टैक्स है उसकी अगले तीन साल में पाँच प्रतिशत उसकी कटौती कर लेंगे तो इसका अर्थ ये है कि जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन बजट से होना चाहिए ये कहाँ से आएगा ये पब्लिक सेक्टर को बेच रहे हैं ये बड़े पूंजीपति और एफ को कंसेशन्स देकर वो लाना चाह रहे हैं तो ये प्रो रिच बजट है दूसरी बात अगर आप एलोकेशंस को देखेंगे ये तो इतनी निंदनीय बात है शेड्यूल कास्ट के लिए दलितों के लिए ट्राइबल्स के लिए महिलाओं के लिए जो पिछले बजट में कम था लेकिन उससे भी इस बार इतना कम किया शेड्यूल कास्ट के लिए कम से कम बारह हज़ार करोड़ रुपया की कटौती है आदिवासियों के लिए लगभग छ हज़ार करोड़ की कटौती है और महिलाओं की जेंडर बजट में लगभग बीस हजार करोड़ यानी कि ट्वेंटी परसेंट एकदम जेंडर बजट में उन्होंने कटौती कर ली मनरेगा जो लोगों को काम देने वाले मांग के आधार पर है एक पैसा उन्होंने नहीं बढ़ाया और आप लोगों ने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना अपमानित किया मनरेगा वर्करों को लोकसभा में और वही दिखाई दिया कि पैसा मनरेगा के लिए नहीं है राशन सस्ता हो इसके लिए जो कानून बना है उसके लिए भी कोई पैसा नहीं दिया हैरानी की बात यह है कि आई सी डी एस स्कीम का जो हर गरीब माँ की राहत पहुँचाती है क्योंकि उनकी बच्चों की देख रेख के लिए एक आई है वो आई का जो एलोकेशन है सोलह हज़ार करोड़ से केवल आठ हज़ार करोड़ दिया है, तो ये शर्मनाक बात है कि ये मोदी की बजट किस नंगे रूप में प्रो कॉपरेट प्रो एफ प्रो रिच है हम इसका निंदा करते हैं और इसके खिलाफ निश्चित रूप पर आने वाले दिनों में संघर्ष तेज़ होगा